अगर आप अपना सारा टाइम और एनर्जी छोटी चीजों पर खर्च करते हैं तो आपके पास उन चीजों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो आपके लिए जरूरी है। ये देखने के लिए टाइम लॉक करें कि आप ईमेल, सोशल मीडिया इन सब पर कितना टाइम बिताते हैं। इससे आपको जो पता चलेगा आप उसे बहुत हैरान हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, रीडियो बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हमने एक जवाब हाँ था तो प्रोफेसर ने फिर एक कंकड़ का डब्बा उठाया और उन्हें जार में डाल दिया। उन्होंने जार को हल्के से हिलाया, कंकड़ पत्थरों के बीच खुले एरिया में लुढ़क गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या ये जार भरा हुआ है? और जवाब था हाँ। प्रोफेसर ने रेत का एक डब्बा उठाया और जार में डाल दिया। रेत ने बाकी सब कुछ भर दिया। उन्होंने फिर से पूछा, क्या ये जार भरा हुआ है? सभी ने साथ में हाँ कहा। अब प्रोफेसर ने कहा, इस जार को अपनी लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव समझें। पत्थर आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे जैसे जरूरी चीजें हैं जिनके होने से लाइफ हमेशा भरी रहती है। कंकड़ बाकी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, जैसे आपकी जॉब, आपका घर, आपकी कार। रेत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप रेत को पहले डालते तो कंकड़ या पत्थर के लिए कोई जगह नहीं रहती। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपना सारा टाइम और एनर्जी छोटी चीजों पर खर्च करते हैं तो आपके पास उन चीजों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो आपके लिए जरूरी है। और टाइम का सही इस्तेमाल सीखने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हम इस बुक में जानने वाले हैं। अपने टाइम का मैनेजमेंट करना सीखने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। दिन में 20 मिनट के टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। साथ ही आप जानेंगे कि उन सभी छोटी चीजों को कैसे रोकें जिन्हें आपने रियलाइज ही नहीं किया था कि उसमें आपका इतना टाइम बर्बाद हो रहा था। तो चलिए इसे जानने की शुरुआत करते हैं। इस बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इस बुक को 6 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि 20 मिनट अ डे टाइम मैनेजमेंट क्या है। दिन में 20 मिनट टाइम मैनेजमेंट उस लाइफ को बनाने के लिए एक पर्सनल गाइड है जिसका आपने कभी सपना देखा था। ये बुक जल्दी और आसान टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बताती है। साथ ही इस बुक के जरिए हम सभी को ज्यादा स्किल्ड बनने और डिजिटल टूल का फायदा उठाने के लिए ऑथर कई टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती है। बुक का लेआउट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है और एक रिपीटेशन भी। यहाँ हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनने में मदद करने के लिए बहुत सारे टूल्स और रिसोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा। ऑथर ने बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट बुक्स और आर्टिकल्स पढ़े। उन्होंने अलग अलग कैलेंडर, प्लानर्स और ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी टूल के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया और ये सब करते हुए उन्होंने पता लगाया कि उनके लिए क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। एक्सपेरिमेंट के इस प्रोसेस के जरिए से उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिला जिससे उन्होंने क्लैरिटी को हासिल करके प्रोसीजर को सिंपल बनाया ताकि वो कम टाइम में ज्यादा काम कर सकें। ऑथर ने एक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टूल के बारे में बताया है जो उन्हें कम काम करने की परमिशन देता है जिससे वो खाली टाइम में भी पैसे कमा पाती है। नई आदतें बनाने और नई स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी ओर से सिर्फ अपने टाइम का इस्तेमाल और कोशिश करनी है। जब आप पुराने पैटर्न, आदतों और बिहेवियर्स को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा सकता है, लेकिन अगर आप इसके साथ लगातार काम करते रहते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आसानी से देख सकते हैं। और ये सब सच करने के लिए बुक में बताए गए प्रोसेस को पूरी तरह से अपनाएं। सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम वो है जॉब के लिए काम करता है। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो कोई एक शेप हर जगह के लिए फिट नहीं होती है। सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए सुबह उठते ही पहली बार में अपनी ईमेल को चेक ना करें। आपको सुबह अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स और काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए और जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो तो उन काम को करना शुरू करें। अपने डिवाइस पर आने वाले ऑटोमेटिक अलर्ट्स बंद कर दें क्योंकि इससे आप अपने काम को करने से भटक सकते हैं। आप काम करते टाइम अपने फोन को छोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। फोल्डर का इस्तेमाल करके अपने ईमेल को ऑर्गेनाइज करें, ये कुछ ऐसा है जो आपको करने की जरूरत है। और ईमेल के लिए टेम्पलेट बनाएं जो आप हर टाइम भेजते हैं, इससे आपके काफी टाइम की बचत होती है। डेली गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करें। जब आप टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपके पास हर एक काम को हर एक दिन पूरा करने के लिए कितना ज्यादा टाइम है। अगर कोई एक्टिविटी किसी ब्लॉक में फिट नहीं हो सकती है तो उसे जाने दें, इसे असाइन करें, इसे आउटसोर्स करें या इसे फिर से प्रायोरिटी दें। टाइम लॉक के साथ शुरू करने के लिए प्रायोरिटी वाली टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें उन चीजों या काम को ऐड करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑथर टाइम के 30 मिनट के ब्लॉक का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। आप भी इसका यूज कर सकते हैं। बस हर एक 30 मिनट के ब्लॉक को दिन के कामों, अपॉइंटमेंट्स और जरूरी कामों के साथ भरें। अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज पर काम करना शुरू करें। चीजें आमतौर पर आपके आइडिया से ज्यादा टाइम ले लेती हैं, इसलिए किसी एक्टिविटी को पूरा करने में लगने वाले टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। सीधे शब्दों में कहें तो अपने काम को करने के लिए शेड्यूल तैयार करें। और जब आपके पास हर एक काम को करने के लिए शेड्यूल होता है तो आप जानते हैं कि आप हर एक काम को करने में कितना टाइम ले सकते हैं। सबसे ज्यादा सेल्फ प्रोडक्टिव होने के लिए अपने सभी टूल से पुश नोटिफिकेशन बंद करें जो इंटरप्शन का काम करता है। इसके अलावा अपने लिए कुछ लिमिट्स बनाएं। फैमिली और दोस्तों को बताएं कि अगर आप घर पर हैं और जब आप अपना काम कर रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब ना करें, और जब आप अवेलेबल हों तो उन्हें बताएं कि वो आपको वापस से कॉल कर सकते हैं। ये देखने के लिए टाइम लॉक करें कि आप ईमेल, सोशल मीडिया इन सब पर कितना टाइम बिताते हैं। इससे आपको जो पता चलेगा आप उसे बहुत हैरान हो सकते हैं। हर हफ्ते जो टाइम खराब होता है उसे आप एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दोबारा कहां से हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बुक में गोल्स को सेट करना और स्मार्ट गोल का रेफरेंस शामिल है जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइमली है। अगर आप अपना टाइम फिजूल चीजों पर बर्बाद कर देते हैं तो आपको अपने टाइम को मैनेज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिजूल में अपना टाइम पार्टियों, स्क्रॉलिंग और घूमने में बिताने के बजाय किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सबसे अमीर या हेल्थ क्लब में शामिल हो जो आपको आपके स्मार्ट गोल को पूरा करने में मदद करे। स्मार्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रिसोर्सफुल, टाइमली, क्योंकि ये बताता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पूरा कर सकते हैं। इसलिए बड़े गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। अपने प्लान के साथ शुरू करें। एक बात तो तय है कि आपको अपने गोल को हासिल करने के लिए जरूरी काम करना होगा, और इसको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए अपने गोल को अपने टाइम लॉक से जोड़ें। 12 वीक ईयर के ऑथर ब्रायन पी मॉरन ने अपने कई गोल को हासिल करने के लिए इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने 12 महीनों में दूसरों के कंपैरिजन में 12 हफ्ते में ज्यादा काम करने के बारे में बताया है। बस इसकी शुरुआत अपने जरूरी कामों के लिए तैयार करके करें, उनके लिए टाइम लॉक सेट करें।
अब हम अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 5 स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो अपने काम को करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत का होना है। अगर आप भी अपने काम को करने के लिए काफी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो अपने टाइम मैनेजमेंट को सीखने की शुरुआत करने के लिए अपने काम की टू डू लिस्ट बनाएं और अपने टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जरूरी 5 स्टेप्स को फॉलो करें। अपने सबसे जरूरी कामों को एक पेपर पर लिखें। अगर आपने उन सभी कामों को अपने दिमाग में रखा हुआ है, तो उसे लेकर अपने दिमाग को खाली करें। किसी प्लानर या नोटबुक में अपने काम अपॉइंटमेंट्स और लायबिलिटीज को लिखें। अब ये डिसाइड करें कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बाद में भी पूरा कर सकते हैं। अपने लिस्ट को 2 कॉलम में बांट लें। एक कॉलम में लिखें कि आपको आज क्या करना है और एक कॉलम में लिखें कि कल तक के लिए किस काम को टाला जा सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े हुए अपने कामों को अपनी टू डू लिस्ट में शामिल करें और इसके साथ ही अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप्स को प्रायोरिटी दें। एक टाइम लिमिट सेट करें। इमीडिएटली किए जाने वाले कामों को इमीडिएटली ही पूरा करें। अपने टाइम को फिजूल के काम को करने में बर्बाद ना करें। बाद में किए जा सकने वाले काम को रिव्यू करें। कुछ टाइम बाद जो काम जरूरी ना लगे उन्हें अपनी टू डू लिस्ट से बाहर निकाल दें। टाइम लॉक शेड्यूल बनाएं। अपने प्लानर या कैलेंडर में टाइम लॉक में अपने सबसे जरूरी काम को जोड़ें। सबसे इंपॉर्टेंट कामों को इसमें जोड़ें, क्योंकि ये वो काम होते हैं जो आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे जरूरी कामों को ही चुन रहे हो, तभी जाकर आप टाइम पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद जरूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान दें। जब आप अपने काम को टाइम पर पूरा करना शुरू कर देते हैं, तो टाइम के साथ आप अपने सारे टाइम को मैनेज करना सीख सकते हैं, जिसका सही इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेहतर करने पर ध्यान दे सकते हैं। तो इसके लिए आज ही टू डू लिस्ट बनाने से शुरुआत करें। तो चलिए अब मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं। आप सभी अपने ऑफिस में काफी मीटिंग्स करते होंगे, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये मीटिंग्स हर बार काम की साबित क्यों नहीं होती हैं? या फिर कई बार मीटिंग्स में लोग बोर क्यों हो जाते हैं? कई बार ऐसा भी होता होगा कि मीटिंग्स अपने दिए गए टाइम पर ही शुरू नहीं की जाती हैं और काफी मेहनत करने के बाद भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। जी हाँ, ये सब कुछ होता है और इसके होने की सबसे बड़ी वजह टाइम मैनेजमेंट की कमी होना है। अक्सर टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से ही मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, यहाँ तक कि कई लोग मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम अपनी मीटिंग्स को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपनी लाइफ के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और आपने इसके अलावा भी सेम टॉपिक पर कई किताबें पढ़ी हैं, तो जो बातें आप पहले से ही जानते हैं उस पर और अपना टाइम स्पेंड ना करें। बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखें और आपको वो मिल जाएगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो ये नई इन्फॉर्मेशन को सीखने के लिए आगे बढ़ने का टाइम है। मीटिंग्स को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए आप 3 आसान से रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों के लिए डिस्ट्रैक्शन ना बने। बहुत से लोग मीटिंग्स में देर से आते हैं और सारी मीटिंग्स के मेंबर को डिस्टर्ब कर देते हैं, और ऐसा करना बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्यान भटकने की वजह से उम्मीद से ज्यादा टाइम लग सकता है और ऐसे में लोग चुपचाप बैठने के बजाय अपने नाटक के साथ मीटिंग में रुकावट डालते हैं। इसलिए ऐसा करने से बचें और लेट होने पर शांत रहें। जल्दी आने के लिए तैयार रहें। अपने फोन को दूर रखें और एक्टिव रूप से सुने और बातचीत में पार्ट लें। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना है, तो अश्योर करें कि आपने ऐसा किया है और डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में सभी का पार्ट लेना मीटिंग को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसके जरिए मीटिंग में अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसलिए एक्टिव रूप से सुने और बातचीत में पार्ट लें। रूम में पॉजिटिव एनर्जी लाएं। आप जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्टेजियस होती है और दूसरों पर जबरदस्त इंपैक्ट डालती है। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप अपने आप को सबके सामने कैसे दिखा रहे हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए करें। लोगों को ये बताने के लिए टाइम को चेक करें कि मीटिंग खत्म होने से पहले कितना टाइम बचा है। अगर आपने मीटिंग को लीड किया है, तो एक ईमेल के साथ फॉलोअप एक्शन करें कि कौन क्या करेगा और कब करेगा। इसके साथ ही अपनी मीटिंग को बेहतर करने की शुरुआत आज से ही बताए गए 3 आसान रूल को इस्तेमाल करके करें। तो चलिए अब एक स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाते हैं। अब तक हमने अपनी टू डू लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के तरीके के बारे में जाना, साथ ही हमने अपनी मीटिंग को पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करने के तरीके के बारे में जाना। अब तक हमने अपने जरूरी काम को पूरा करने के लिए एक लिस्ट तैयार कर ली है। तो काम करने के साथ ही आपको आसानी से ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा काम आपके लिए जरूरी नहीं है। बस आपको अपने ऐसे ही कामों को एक लिस्ट में शामिल करना है। आइए समझते हैं कि आप अपने कम जरूरी कामों को कैसे पहचान सकते हैं। अपने कम जरूरी कामों को पहचानने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। जब आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे थे, तभी हमने 2 कॉलम बनाए थे, जिसमें एक कॉलम में हमने इमीडिएटली काम करने तो दूसरे कॉलम में बाद में काम करने वाले कामों को शामिल किया था। जाहिर सी बात है, इमीडिएटली काम करने वाले कॉलम में शामिल किए गए काम को आप इमीडिएटली और जल्दी से पूरा कर लेंगे। अब आप इमीडिएटली काम को करने के साथ दूसरे कॉलम को रिव्यू करें। हमारे इंसानी बिहेवियर के कारण जो काम हम बाद के लिए टाल देते हैं, उसे अगर कुछ टाइम के बाद दोबारा देखा जाए तो वो उतना जरूरी नहीं लगता है। तो जब आप अपने कम जरूरी वाले काम को रिव्यू करेंगे, तब आप इस बात को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। और ऐसा करते टाइम आपको जो भी काम सबसे कम जरूरी या फिजूल का लगे, उसे अपने कॉलम से बाहर कर दें। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे करना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास काम पूरा करने का पूरा प्लान मौजूद है, तो आपने एक टाइम लॉक जरूर बनाया होगा जिससे आप उन एक्टिविटीज को पहचान लेंगे जिन्हें आप करना बंद कर सकते हैं। अब बस अपने फिजूल के काम को नहीं कहना सीख लें। आपको आपके फिजूल के कामों को पहचानने में मदद करने के लिए ऑथर ने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किन कामों को करना जरूरी नहीं होता है। अपने आप को एग्जैजरेट करना, बिना किसी मतलब के स्क्रॉलिंग करना, उन चीजों के बारे में चिंता करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, रेसिपी क्रिएशन वीडियो देखने में टाइम बर्बाद करना, आर्टिकल में नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना, बिना सोचे समझे अपने स्मार्टफोन को चेक करना, इसी तरह बहुत सारे काम होते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं होते हैं। तो ऐसे काम को करना बंद करें और लिस्ट में शामिल करें, और जितना ज्यादा हो सके ऐसे काम में अपना टाइम बर्बाद करने से बचें। अब वक्त है पूरी तरह से फोकस होने का। कई लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ तक कि टाइम लॉक भी सेट कर लेते हैं। इसके बावजूद कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को पूरे प्लान के होते हुए भी पूरा नहीं कर पाते हैं। वो अक्सर किसी दूसरे काम में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जरूरी काम को टाइम पर पूरा नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होने के बावजूद उन्हें अपने काम को टाइम पर पूरा करने में प्रॉब्लम क्यों होती है? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। ध्यान रखें, सिर्फ टाइम लॉक बनाना और प्लान तैयार करने से आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट करना सीख नहीं सकते हैं और ना ही अपने काम को टाइम पर पूरा कर सकते हैं। सही मायने में टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको फोकस होने की सबसे ज्यादा जरूरत है।
सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपना पूरा ध्यान अपने काम को पूरा करने में नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी टाइम पर अपने काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का एक ही एलिमेंट फोकस है, और जैसा कि इस बुक के साथ कई प्रोडक्टिविटी बुक्स में भी बताया गया है कि लोगों को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उनके पास फोकस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, जिसे आप माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक से भी समझ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने फोकस को मैनेज करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि मल्टीटास्किंग काम नहीं करता है, इसलिए एक टाइम में एक ही काम को करने पर ध्यान दें। अगर आप अपना ध्यान दो एक्टिविटीज के बीच बांट लेते हैं तो आप किसी भी काम को अच्छे से पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक टाइम में सिर्फ एक काम को ही पूरा करने पर ध्यान दें। जब आप अपने काम को सही फोकस के साथ करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से टाइम पर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। बस किसी काम को करते टाइम उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें, किसी भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपने कामों में रुकावट ना आने दें। अब बात करते हैं ईमेल के लिए बेस्ट फॉर्मूला की। बुक में ईमेल को मैनेज करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ईमेल को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब आप इस फॉर्मूला के लिए काम करते हैं तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। एक्शन प्लस सब्जेक्ट मैटर प्लस टाइम लिमिट। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अपने काम, काम के सब्जेक्ट और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करें। इसके साथ अपने टाइम को मैनेज करने के लिए चार जरूरी बातों का ध्यान रखें। अपनी मेंटल क्लैरिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए, जब आप अपने एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होते हैं तो अपने ईमेल को चेक करने के लिए टाइम को तय करें। जब आप सबसे ज्यादा फोकस करके काम करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स और कामों को प्रायोरिटी दें। इस आसान से बदलाव को करके और अपने प्राइम टाइम का ठीक से इस्तेमाल करके आप हर हफ्ते बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। आपके पास जरूरी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। जब आप अपने ईमेल को प्रायोरिटी देते हैं और फोल्डर बनाते हैं तो आपके पास एक वर्चुअल फिलिंग सिस्टम होता है, जो आपके मैसेज का पता लगाना और उनका जवाब देना आसान बना देता है। एक बार जब आप अपने ईमेल बॉक्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बना लेते हैं तो अपने काम को सेफ से करने और अपने सिस्टम को बनाए रखने में मदद करने के लिए ऑटोमेटिक फिल्टर और प्री रिटर्न रिस्पॉन्स सेट करें। जब आप ऑफिस से बाहर हो तो अपने ऑटो रिस्पॉन्डर को अपने पेंडिंग एब्सेंस के बारे में दूसरों को अवेयर करने के लिए सेट करें और उन्हें बताएं कि अगर उनके कोई सवाल, आइडिया या कंसर्न है तो वो आपको तुरंत पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बाहर होंगे तो ये आपके आउटसाइड ईमेल को भी आपके इनबॉक्स में जाने से रोक देगा और आप अपने जरूरी मैसेज का भी टाइम पर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही डायरेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, ये आपको जल्दी से पॉइंट पर पहुंचने में मदद करता है और रेसिपिएंट इस बात से कंफ्यूज नहीं होगा कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आइए अब सीखे हुए लेसन को एक बार दोहरा लेते हैं। अपने टाइम को मैनेज करने पर ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए टाइम लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपनी टू डू लिस्ट को तैयार करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने सबसे जरूरी कामों को ही चुन रहे हैं, तभी जाकर आप टाइम पर अपने कामों को पूरा करना सीख सकते हैं। एक बार टू डू लिस्ट बन जाने के बाद जरूरी कामों को पूरा करने पर अपना सारा ध्यान दें। अपनी मीटिंग्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए तीन सिंपल रूल्स को फॉलो करें। फिजूल के कामों को पूरा करने में अपना टाइम बर्बाद करने से बचें। किसी काम को करते टाइम उसी काम को करने पर अपना पूरा ध्यान दें। किसी भी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपने काम में रुकावट ना आने दें। अपने काम, काम के सब्जेक्ट और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करें। तो दोस्तों, इस बुक से हमने अपने टाइम मैनेजमेंट को करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपनी लाइफ में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। बस इसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें। और अगर आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो बुक में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस बुक को खरीदकर और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी बुक समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर उन्हें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, या किसी और बुक समरी को ढूंढने के लिए सर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी हमारी समरीज किताबें नाम से अवेलेबल है, जिसे रिसेंटली इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल पॉडकास्ट का अवार्ड भी मिला है। तो चलिए फिर मिलते हैं और भी बेहतर समरी के साथ। थैंक यू सो मच।